नमस्कार, एसटीएन टीवी न्यूज चैनल के खास कार्यक्रम आपका भाग्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गर्विता भारद्वाज। आज हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष आचार्य पंडित पवन शास्त्री जी। पंडित जी, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। ग्रह अपनी चाल हर समय बदलती है, इन ग्रहों का हमारे जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार कौन सा ग्रह आपकी कुंडली के कौन से भाव में जा रहा है, इसके हिसाब से आपका हर सप्ताह अलग गुजरता है। तो आपका ये सप्ताह कैसा रहेगा, ये जानते हैं पंडित जी से इस सप्ताह के राशिफल में। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। इस सप्ताह घरेलू उलझनों के कारण मन अशांत एवं असंतुष्ट रहेगा। गुरु मंगल की दृष्टियों के कारण संतान संबंधित किसी बिगड़े कार्य में सुधार एवं कार्य सिद्धि के योग बनेंगे, किंतु धन का अपव्यय एवं व्यर्था भाग दौड़ बनी रहेगी। और इसके लिए आपको जो उपाय करना चाहिए, श्री हनुमाष्टक स्तोत्र का पाठ करें और मीठा प्रसाद भी बांटें। तो मेष राशि के जातकों, इस सप्ताह घरेलू उलझने के कारण मन थोड़ा अशांत रह सकता है। अब बात करते हैं वृष राशि की, कैसा रहेगा वृष राशि का ये सप्ताह। वृष राशि, इस सप्ताह व्यापार में प्रगति व नया व्यापार शुरू करने का आपके लिए योग है और अपने हुनर का प्रदर्शन करें। भाग्य परिवर्तन का भी योग बन रहा है। मन को शांत रखने के लिए ध्यान तथा योग का अभ्यास अवश्य करें और अपने साहस व पराक्रम में वृद्धि होगी और आप चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। वृष राशि के जातकों, इस सप्ताह भाग्य परिवर्तन के योग बन रहे हैं, मन को शांत रखने के लिए योग करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि, इस सप्ताह आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न परेशानियों का सामना रहेगा। धन हानि एवं बनते कार्यों में विघ्न उत्पन्न होंगे। क्रोध व तनाव रहेगा। व्यर्थ की यात्रा में परेशानी व शरीर कष्ट का भी भय रहेगा। अपने भोजन पर भी ध्यान दें, तला हुआ भुना हुआ भोजन बिल्कुल ना करें और आप अपनी बातों से लोगों से काम निकालने में सफल रहेंगे। और विद्यार्थियों के लिए भी यह बेहतर समय है, शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के जातकों, इस सप्ताह तनाव ना लें और साथ ही तला भुना भोजन बिल्कुल ना करें। अब जानते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा। कर्क राशि, इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए व्यस्तता लेकर आया है। आप अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक व्यस्त रहेंगे और पारिवारिक कार्यक्रमों में कम समय दे पाएंगे और पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा और शांति बनी रहेगी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र से जो संबंधित हैं उनके लिए अच्छा समय है। उन्हें तरक्की मिलेगी और एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं तो उन युवाओं को सफलता मिलने की संभावना बनी रहेगी। कर्क राशि के जातकों में एग्जाम्स की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह सप्ताह अच्छा जाने वाला है, उन्हें सफलता मिलेगी। अब जानते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि, इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कई मामलों में अच्छा रहने की संभावना है। आपके मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा और आप दूसरों के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। सुदूर यात्रा पर जाने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे और इस दिशा में आपके प्रयास सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में आपके लिए अनुकूलता बनी रहेगी और आपको वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त होगा। जैसा पंडित जी ने बताया, सिंह राशि के जातकों का ये सप्ताह कई मामलों में अच्छा जाने वाला है, साथ ही मन में प्रसन्नता का भाव भी रहेगा। आइए अब जानते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि, इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क बढ़ेंगे और नवीन कार्य की योजनाएं भी बनेंगी। आपकी तीव्र बुद्धि विभिन्न कार्यों पर आपको आगे लेकर जाएगी।
लेकिन दूसरी ओर आपके वरिष्ठ अधिकारी आप पर नजर बनाए रखेंगे, इसलिए आपको पूर्ण निष्ठा के साथ अपना काम करना होगा। कन्या राशि, इस सप्ताह किसी नवीन कार्य की योजना बन सकती है, बस आपको पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करने की जरूरत है। आइए अब जानते हैं तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। तुला राशि, इस सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए आपको अनेक मौकों पर सोचने के लिए मजबूर करेगा। एक और जहां कार्य क्षेत्र में आपकी सूक्ष्म दृष्टि आपको फायदा पहुंचाएगी, वहीं दूसरी ओर आपके परिवार में होने वाले लड़ाई झगड़े में आप मानसिक रूप से स्वयं को परेशान पाएंगे। अतः आपको इन सबके बीच सामंजस्य बनाए रखना होगा और चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा। तो तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौती भरा रहने वाला है। आइए अब जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा रहने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में इस सप्ताह तरक्की की भी प्राप्ति होगी और सप्ताह के अंत में दूर यात्रा का भी योग बन रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इस दौरान किसी अजनबी पर विश्वास ना करें, क्योंकि आपके साथ धोखा भी हो सकता है। और स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें, और आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि नकारात्मक सोच से बाहर निकलें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह सफलता के योग बन रहे हैं कार्य क्षेत्र पर, बस आपको सकारात्मक सोच रखने की जरूरत है। आइए अब जानते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि, इस सप्ताह धनु राशि के जातकों के लिए शरीर कष्ट, कोई गंभीर गुप्त रोग, क्रोध की अधिकता और मानसिक तनाव, बनते कार्यों में विघ्नों का सामना रहेगा। आपको अपनी वाणी पर भी संयम रखना होगा और अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में भी चुनौतीपूर्ण समय है, इसलिए मेहनत से अपने कार्य में लगे रहें। विद्यार्थियों के लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन अवसर लेकर आएगा और उन्हें अनेक अध्ययन में आशा के अनुरूप सफलता प्राप्त हो। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मेहनत से अपने कार्य में लगे रहने की जरूरत है। आइए अब जानते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि, इस सप्ताह मकर राशि के जातकों के लिए किसी नवीन योजना पर विचार विमर्श होगा। धार्मिक कार्यों में भी प्रवृत्ति बनेगी, परंतु परिवार में तनाव एवं वैचारिक मतभेद भी बने रहेंगे और आर्थिक उलझनों के कारण मन चिंतित रहेगा। और इस सप्ताह विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी होगी, हालांकि उस मेहनत का प्रतिफल बहुत अच्छे रूप में आपके सामने आएगा और इस सप्ताह आपके खर्चों में भी वृद्धि रहने का पूर्ण संभावना दिखती है। मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कोई नवीन योजना बन सकती है, साथ ही खर्चों में भी वृद्धि होगी। आइए अब जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि, इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए व्यवसाय में संघर्षपूर्ण स्थितियों का सामना रहेगा। उच्च प्रतिष्ठित लोगों से मेल जोल रहेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे अधिक परिश्रम की मांग कर सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो आपके संतान किसी बात को लेकर आपसे जिद कर सकती है और आपका खर्चा भी करवा सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस समय चुनौतियों को पार करने के लिए भी अच्छा है। तो जैसा पंडित जी ने बताया, कुंभ राशि के जातकों का यह सप्ताह निजी और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में चुनौती भरा रहेगा। आइए अब जानते हैं मीन राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मीन राशि, इस सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए किसी निकट सहयोगी की सहायता से कुछ बिगड़े हुए कार्यों में भी सुधार होगा और वरिष्ठ अधिकारियों से भी आपको पूर्ण समर्थन व सहयोग प्राप्त होगा। आपके पास अनेक अवसर आएंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे और साथ ही अनेक प्रकार के धन लाभ होने की भी प्रबल संभावना बनी रहेगी। पंडित जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हम आपसे यही विदा लेते हैं। एक बार फिर से मुलाकात होगी आपके भाग्य के नए एपिसोड में, जिसमें हम पंडित जी से आपके अगले सप्ताह के राशिफल के बारे में जानेंगे। देखते रहिए SGN TV News Channel Uttarakhand।